एक बार फिर से मेरे साथ सब जय घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं श्री राम का जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभी बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपके बीच, मुझे बहुत लोगों की आंखें नम दिखी। आज नाम पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति और शक्ति दोनों चाहिए, कि विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, वरदान न दो चाहे लेकिन राघव के बाण मुझे दे। और ये राघव के बाण किस लिए चाहिए, कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। आज का ये अभियान जन जन को राम बनाने का अभियान है, इसलिए मैं नमन करती हूं श्रद्धेय मंच को, स्वामी जी को और मेरे सामने उपस्थित डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बदरवा की जनता, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बहनों को, किन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कितने ही जुल्म हो पर हिम्मत नहीं हारी। मैं जब जम्मू से यहां डोडा आ रही थी, रास्ते में हमने एक जगह पर नाश्ता किया, वहां एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आप कहां जा रहे हैं, मैंने कहा मैं डोडा के कार्यक्रम में जा रही हूं, उन्होंने कहा दीदी आप डोडा के कार्यक्रम में जा रही हैं ना, तो दिल्ली के चश्मे से आप डोडा को और जम्मू कश्मीर की समस्या को मत देखना, आप वहां के लोगों से बात करना और डोडा की और जम्मू की कहानी आप दुनिया को बताना, आप दिल्ली को बताना। मैंने कहा कहां क्या है ये डोडा की कहानी, उन्होंने कहा कि दीदी
जम्मू कश्मीर के आतंकियों के नाम सबको मालूम है, बरहान वानी है, यासीन मलिक है, मालूम है। क्या आपको मालूम है किश्तवाड़ के सतीश भंडारी जी का नाम? क्या आपको मालूम है रामबन के विभीषण जी का मां? क्या आपको मालूम है किश्तवाड़ के पारिकर बंधुआ जिनकी हत्या कर दी गई? क्या आप जानते हैं चंद्रकांत जी को जिनको घात लगाकर मारा गया? क्या आप डोडा के संतोष ठाकुर एडवोकेट को जानते हैं? क्या आप बदरवा के रुचित कुमार को जानते हैं? मैंने कहा मैं किसी को नहीं जानती। उन्होंने कहा क्या आप जानते हैं चपनेरी में बारात के 25 लोगों की हत्या कर दी गई थी? क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा निकाली जा रही थी, वहां लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, बस की लाइनों से निकाल कर मार दिया गया था? क्या आप ये सब जानते हैं? मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं जानती। उन्होंने कहा दीदी, मैंने उसे पूछा, मैंने कहा आप इतना कैसे जानते हो? आप तो यहाँ काम करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, आप इतना कैसे जानते हो? उन्होंने कहा, उनका नाम है गिरधारी सिंह जी, उन्होंने कहा कि 1996 में मेरे बड़े भाई, उनकी 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा, ये लोग मवेशी चराने के लिए ऊपर की तरफ गए थे, बकरवाल वालों के यहाँ गए थे, वहां मिलकर खाना खाया था, तभी आतंक बताने आया है कि मृत्यु क्या है, क्या है मृत्यु, मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है, जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। हमें ये प्रेरणा कहां से मिलती है? हमें ये प्रेरणा दी है अपने अतीत का स्मरण करना है हमने, वर्तमान की चिंता करनी है हमने, और भविष्य के मार्ग का निर्धारण आपने करना है। बंधु, अतीत से कुछ सीखते हैं तो हम भाग्य की तरफ उन्मुख, भविष्य की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ताओं के मुख से कि किस प्रकार पंडित नेहरू ने, शेख अब्दुल्ला ने और माउंटबेटन ने मिलकर के क्या षड्यंत्र रचा था। सारी रियासतें एक हो गई थी, जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह तब भारत में शामिल होगा जब शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर का प्रधान पंत बनाया जाएगा। अखंड भारत के लिए महाराजा हरि सिंह पंडित नेहरू से लड़ रहे थे, माउंटबेटन से लड़ रहे थे, शेख अब्दुल्ला से लड़ रहे थे, जिन्ना से लड़ रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू के षड्यंत्र सफल हो गए। बिना चुनाव के शेख अब्दुल्ला को पावर दी गई और महात्मा गांधी, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। देश की आजादी के समय यदि इस देश की बागडोर पंडित नेहरू को ना देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी होती तो आज भारत भारत के रूप में स्थापित हो गया होता। षड्यंत्र परवान चले, प्रजा परिषद आंदोलन खड़ा हुआ, दो विधान दो निशान हमें स्वीकार्य नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कण कण मेरा है, मैं अपने भारत को खंड खंड नहीं होने दूंगा। और फिर प्रेमनाथ डोगरा जी, धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरे की गंगा इस्लामाबाद की छाती पर फहराएगा भारत का झंडा, रावल पिंडी और कराची तक सब कुछ भारत हो जाएगा, सिंध नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, फिर सदियों सदियों तक मेरी भारत माँ के दो टुकड़े करने वाला जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। अभी हम सुन रहे थे मैगी जी से कि असंव गजमेव व्याघ्रेव चेव च, घोड़े की बलि नहीं होती, हाथी की कोई बलि नहीं देता, व्याघ्रम नेव च, और व्याघ्र शेर की तो कभी बलि कोई दे ही नहीं सकता। बलि किसकी होती है? गर्दन किसकी कटती है? अजम पुत्रम बलि दध्यात,
बकरे का बेटा, कमजोर बकरे का बेटा उसकी बलि दी जाती है। अब तुम बकरे बनने आए हो या माँ भारती के शेर सिंहत्व का परिचय देने आए हो? इसलिए मेरे साथ में मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके। जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं गद्दार, उनसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो माँ भारती के लाल हैं आपको सुनाई नहीं देना। जो ये दीवारों पर बैठे हैं सुनाई नहीं देना। हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, वीर शहीदों को नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए। संकल्प लेना है, ये श्रद्धांजलि सभा के साथ में संकल्प सभा दी है, और हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। जिस संकल्प में विकल्प होते हैं वो साधन सिद्धि के दरवाजे नहीं पहुंचते। इसलिए ये बलिदान दिवसियों की संकल्प सभा है, आप संकल्प कीजिए, हाथ खड़े करके, मुट्ठी बांध के, कमर सीधी करके, हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं होगा। मेरे साथ दोहराइए, शेरों की तरह गर्जिए, आपकी वाणी पूरे अंतरिक्ष को गुंजाय मान करते, ऐसी सिंह गर्जना। डोडा वालों याद रखना कि देखो वीर सपूतों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। मुट्ठी बांध के हाथ खड़े करके मेरे साथ दोहराएंगी, बोलिए, जन्म जहां पर हमने पाया। डोडा वालों, भमा भारती की रक्षा ऐसे नहीं होगी। चंद्रकांत जी के बलिदान का स्मरण करना होगा। रुधिर कुमार ने अपनी छाती पर जो गोलियां खाई हैं, उनका बहते हुए छाती का लहू इस डोडे की धरती को मिला है। अपने शहीदों की उस शहादत का हो कसम खाइए, और मेरे साथ में जरा जोर से हुंकार भरिए। कुपकार गैंग वालों के कान के पर्दे फट जाएं, और भारत माता की जय के साथ में उनके अंदर भी देशभक्ति की भावनाएं प्रवाहित तो हो चली। इसलिए मेरे साथ सही दोहराएंगे, सुनील जी यहां पर आए, और मंच पर जितने मेरे गणमान्य संत जन हैं, हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे प्रमुख अधिकार, सबसे निवेदन है जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसको पाकिस्तान का कुत्ता घोषित कर दिया जाएगा। और मेरे साथ और एक बाप की औलाद जो होगा वो हाथ ऊपर करेगा मेरे साथ में। Oh,
रखेंगे। जो साथी चलाते हुए ले जाए लेकिन सम्मान पूर्वक अपने घरों में अपनी छतों पर लगा सकते हैं। कृपया ध्यान से निकलिए, भीड़ न करिए, बच्चों माताओं।